नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। लोकसभा नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। एनडीए नेताओं की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। 7 जून को 2 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास स्थान पर हुई। उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि मौजूद रहे। करीब 33 नेता इसमें शामिल हुए। आज मुलाकातों का दिन रहा और भावी सरकार पर कयासों का सिलसिला चलता रहा। दिस इज ए मैंडेट इन डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रोनी कैपिटलिज्म एंड ऑल्सो टू सेव डेमोक्रेसी। द इंडिया ब्लॉक will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। ये बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हुई है। बदले हुए रणनीतिक हालात पर चर्चा की गई। राजनीतिक हालात के हर मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। 2 घंटे तक चली बैठक में जो 33 बड़े नेता जो खासतौर से आए थे, अगर बात करें तो सोनिया गांधी यहाँ पर आई थी, राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए थे, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी आए हुए थे, संजय राउत आए हुए थे, तेजस्वी यादव आए हुए थे, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता। लेफ्ट की बात करें तो उसके भी बड़े नेता सीताराम येचुरी यहाँ आए हुए थे, दीपांकर भट्टाचार्य आए हुए थे। और उसके बाद जो साझा एक कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें 2-3 बातें मोटे तौर पर साफ तौर पर कही गई है कि पहली बार की हम फिलहाल सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेंगे। इशारों में ये बात कही गई है, उपयुक्त समय में उपयुक्त फैसला लेंगे, यानी वेट एंड वॉच करेंगे। खास तौर से इनके पास फिलहाल ये लग रहा है कि विपक्षी दलों के पास जो नंबर जो चाहिए वो फिलहाल इनके पास नंबर नहीं है, नंबर इनके पास घट रहे। करीब 40 अगर इनके पास नंबर और होते तो सरकार बनाने का सीधे तौर पर दावा करते। फिलहाल ये लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो एनडीए के खेमे में बड़े दल हैं, चाहे टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, जो पहले इंडिया ब्लॉक के साथ रह चुके हैं, इनके करीबी संबंध रह चुके हैं और उनके पास नंबर है 28, जो उनके पास नंबर है, अगर ये इनके खेमे में आ जाते हैं तब इनकी सरकार बन सकती है। और फिलहाल जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं का ये कहना है कि जो उन्होंने वो जो बार्गेन कर रहे हैं दोनों पार्टी, चाहे जेडीयू की बात करें चाहे टीडीपी की बात करें, वो लोग हार्ड बार्गेनर है, यानी अपने हिसाब से मंत्री पद चाह रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि टीडीपी जो है लोकसभा अध्यक्ष के पद चाह रहा है। अब देखने वाली बात हो कि अगर उनकी जो बार्गेन है मंत्री पद का, जो डिमांड है, जिस तरह का पद वो चाह रहे हैं, अगर वो पद नहीं मिलता है तो इंडिया गठबंधन ने एक लिहाज से कह सकते हैं कि उनको ऑफर दिया हुआ है। कहा कि अगर आपको संवैधानिक मूल्यों में यकीन है हमारे साथ आ सकते हैं। इंडिया ब्लॉक के जो नेता यह भी कह रहे हैं कि ये जो मैंडेट जो आया है, ये जो मैंडेट आया है बीजेपी के खिलाफ आया हुआ है, खासतौर से प्रधानमंत्री के मोदी के खिलाफ आया हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव उनके नाम और चेहरे के आधार पर लड़ा था। इंडिया जो ब्लॉक के नेता, उनका ये भी कहना है कि उनकी जो लड़ाई है, जो साझी लड़ाई है, वो जारी रहेगी। सड़क की बात करें चाहे संसद की बात करें, सब मिलके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ जो कह सकते हैं कि आवाज़ उठाते रहेंगे और सब एक साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से चुनाव एक साथ मिलकर लड़े हैं और जिस तरह से नतीजे जो आए हैं वो बीजेपी के और एनडीए के खिलाफ हैं, और आगे की जो लड़ाई होगी सब मिलके ही लड़ेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन सुशील लाठी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन बहुमत से दूर है। हालांकि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, पर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से सहयोगी दलों को साथ रखा जाए और सशक्त सरकार बनाई जाए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब तैयारी जारी है कि कैसे बनाई जाए नई सरकार, कैसे गठबंधन को साथ लेकर चला जाए,
और कैसे इसे मजबूत किया जाए। नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, पार्टियां और नेता एक्शन में आ चुके हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समेत कई और बड़े नेता शामिल हैं। इस बार चुनावों से पहले बीजेपी ने तमाम कोशिश कर नीतीश के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को एनडीए में शामिल करवा लिया। जेडीयू को 12 तो टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं और एनडीए में बीजेपी के बाद ये दोनों सबसे बड़े घटक दल हैं। माना ये जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां अपने लिए कुछ बड़ी मांग रख सकते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी कुछ बड़ी मांग रख सकती है। खबरों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष और 3 सांसदों पर एक मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। टीडीपी के 16 सांसद हैं, तो कम से कम 5 मंत्री पद। शिवसेना शिंदे गुट 2 मंत्री पद की मांग कर सकता है, जिसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद हो सकता है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होती है, वो सबसे आगे होती है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी दलों को भी देखना होता है। ये भी देखना होगा कि बीजेपी अपने घटक दलों के आगे कितना झुकती है और कितनी उनकी मांगे मान लेती है। साथ ही साथ बीजेपी को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आगे जाकर कहीं उसके घटक दल किसी बात से नाराज ना हो जाएं। जेडीयू पहले भी एनडीए का हिस्सा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमेशा से रही है। नीतीश ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए के ही साथ है। जेडीयू नई सरकार में शामिल होगी। जेडीयू जन्म काल से ही एनडीए के मंत्रिमंडल में शामिल रही है। महत्वपूर्ण पद हम लोगों ने संभाले हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। कोई निमंत्रण मिलेगा, हम मंत्री परिषद में शामिल होंगे। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। हारे हुए नेताओं में स्मृति ईरानी को भी फिर से पद दिया जा सकता है। हालांकि कुछ पूर्व मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। एनडीए के पास बहुमत है और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले 7 जून को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके साथ ही सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विकास भदौरिया, एनडीटीवी दिल्ली। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, उसे 9 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी साथी शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। तो जाहिर है कि जो ठीकरा है वो राज्य नेतृत्व पर फूटना तय है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इच्छा जाहिर करते हुए ऐलान किया कि वो सरकार से निकलना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं में हड़कंप मचा। सभी ने अपील की कि वो सरकार में शामिल रहे। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 घंटे चली इस कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों पर समीक्षा हुई। सभी ने अपने मन की बात रखी। देवेंद्र फडणवीस ने भी खामियां गिनाई, लेकिन उन्होंने मीटिंग में बैठे नेताओं को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि उनके मन में क्या चल रहा है। और बैठक के बाद मीडिया के सामने उन्होंने प्रदेश में हार की जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से निकलने की बात कहकर सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र में डिबेकल हुआ है, या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्व वाला ये विनंती करणार आहे। मैं भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व की विनती करना चाहता हूँ कि मुझे सरकार से मुक्त किया जाए और पार्टी के लिए पूरा समय काम करने का मौका मिले, ताकि जो भी कुछ कमियां रही हैं
उसे पूरा करने के लिए जरूरी समय मिल सके। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से हड़कंप मचना स्वाभाविक था। आनंद फानंद में फिर से बीजेपी के नेताओं ने मीडिया के सामने आकर बताया कि फडणवीस ने यह बयान भावनाओं में बह कर दिया है और उनसे सरकार में रहकर पार्टी का काम करने की अपील की गई है। उस कोर ग्रुप की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि देवेंद्र जी सरकार के बाहर आए और हमारे साथ फुल टाइम घूमे। उन्होंने यह मंशा व्यक्त की है और उन्होंने भी कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के नेता जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा, लेकिन उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन उसके बाद हम लोग सारे लोग फिर एक बार देवेंद्र जी के साथ बैठे, हम सारे लोगों ने उनको विनती की है कि वो सरकार में लेकर ही हमारे साथ चार दिन संगठन को दे सकते हैं और हमारा यही सबको आग्रह है कि वो सरकार में रहकर हमको चार दिन पांच दिन पूरा दे। वो रूप में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और सभी की राय है कि वो सरकार में रहकर अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन में भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनसे उनकी ये जो मंशा है और ये जो भावना है उनकी व्यक्तिगत भावना है, कोर ग्रुप इससे सहमत नहीं। एनडीए की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फडणवीस का बचाव करते हुए कहा कि हार के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की होगी, लेकिन जरूर मेरे सहयोगी वो है, उनसे मैं जरूर बात करूंगा। हमने टीम एज ए टीम काम किया है। कई चुनाव में हार जीत होती है, अभी ये चुनाव में ज़्यादा जगह इंडिया अलायंस को जरूर मिले हैं, लेकिन उसके कारण क्या है उसकी कारण मीमांसा करेंगे हम। लोकसभा में अप्रत्याशित जीत से उत्साहित विपक्ष को फडणवीस पर तंज कसने का मौका मिल गया। हो सकता है कि ढाई साल पहले की मंशा जो थी सीएम ने वो फिर से जागरूक हो गई होगी, तो इसी को मद्देनजर उन्होंने बोला होगा। ये पार्टी के अंतर्गत मामला है, निर्णय क्या लेना नहीं लेना हाईकमान मुझे देखेगा। पिछली लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी के 23 सांसद थे, लेकिन इस बार सिर्फ 9 सांसद चुनकर आए हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 2 घंटे इसकी वजहों पर चर्चा हुई, जिसमें मराठा आरक्षण आंदोलन, एंटी इनकम्बेंसी, किसानों से जुड़ी प्याज और दूसरे कई मुद्दों पर लोगों की नाराजगी को प्रमुख माना गया। इसके साथ ही संविधान बदलने का नैरेटिव बीजेपी के बहुत खिलाफ गया। हालांकि इसके बावजूद पार्टी का मानना है कि हार का नतीजा खराब काम नहीं वोटों का समीकरण ज्यादा है। मसलन महाविकास आघाड़ी को राज्य में 30 सीटें मिली हैं और महायुति को 17, जबकि वोटिंग परसेंटेज देखें तो महायुति को एमवीओ को मिले वोटिंग परसेंटेज से सिर्फ आधा फीसदी कम वोट मिले हैं। एमवीओ को राज्य में 2,50,00,000 वोट मिले हैं और बीजेपी को 2,48,00,000, मतलब सिर्फ 2,00,000 वोट कम मिले हैं। इसी तरह मुंबई में महायुति को एमबीए से 2,00,000 ज्यादा वोट मिले हैं, बावजूद इसके एमबीए को 4 सीटें मिली हैं और महायुति को सिर्फ 2। लोकसभा चुनाव के इस परिणाम से साफ है कि एमबीए के तीनों घटक दल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को एक साथ आने का फायदा मिला है, जबकि बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी तोड़ने का फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। जाहिर है लोकसभा चुनाव के यह परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार के लिए खतरे की घंटी है। मुंबई से अपने सहयोगी सुजाता द्विवेदी और कैमरामैन प्रवीण रोहित और दिनेश मेहमाना के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत, खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।